नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मंडोशिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रिट का जो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 11 जनवरी 2021 से, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, सिलेबस जारी कर दिया है रिट फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल का, कब तक एग्ज़ाम फॉर्म ये भरे जाएंगे ये टोटल जानकारी दे चुके हैं। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एक सिंपल जानकारी दूंगा कि आप यदि रिट का फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपको आपके फ्यूचर का सवाल होता है। इसमें आपको हर छोटी सी छोटी जानकारी मैं आपको दूंगा, और हर आपको छोटी सी छोटी जानकारी देकर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होती है एकदम सही नई तरीके की और नई फ़ोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर आप जो ओरिजिनल जो सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर आपके सामने वो होने चाहिए। आपको सबसे पहले आपकी फ़ोटो है वो एकदम नई होनी चाहिए। आपको यह नहीं देखना है कि पुरानी फ़ोटो आपको लगा देनी है, आपको नहीं, आपको न्यू फ़ोटो आपको लगानी है। उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर है वो एकदम, आप हमेशा जो सिग्नेचर करते हैं वो आपको होने चाहिए आपके सामने। दो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपका जो नाम है, कैंडिडेट जो नेम होता है, जो अभ्यर्थी का नाम होता है, उसमें आपको जो आप फॉर्म फिल करवाते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, आपको कैपिटल अक्षर में ही आपका जो नाम है वो उसमें आपको सबमिट कर देना है, और उसके आप ये देख लेना है कि आपको MS और MRS या कुमार या डॉक्टर वो आपको नहीं लगाना है। आपको आपका नाम सिंपल, आपका नाम जो है सरनेम, आपका नाम और सरनेम आपको उसमें फिल कर देना है। उसके बाद में आपका जो पिता का नाम है, फादर्स नेम, इसमें भी आपको एकदम बारीकी से आपको देखकर आपको उसमें सबमिट करना है, और उसके बाद में आपका जो मदर्स नेम है वो उसमें आपको फिल कर देना है। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, आपको स्पेशल ध्यान रखना है लिंग। यदि आप भरते हो मेल और फीमेल, उसमें आप जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। उसमें यदि आप मेल है तो मेल उसमें सबमिट करना है, यदि आप फीमेल है तो उसमें आपको फीमेल आपको सबमिट कर देना है। और जो आपकी जो है जो मैरिज है, इसमें वैवाहिक स्थिति, इसमें आप मैरिड है अनमैरिड है, इसमें आपको आपको स्पेशल ध्यान में रखते हुए आपको इसमें फिल करना है। जैसे आप शादीशुदा है तो उसमें आप मैरिड आपको फिल कर देना है, यदि शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड, यदि आप डिवोर्स है या विडो है तो आपको उस हिसाब से आपको फिल करना। आपको स्पेशल देखिए, जो डिवोर्स और विडोज है इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना है। यदि आपने यदि गलती कर दी है तो आपका बहुत भयंकर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विडो और डिवोर्स की जो मेरिट है वो ज़्यादातर ऑल उसमें होती है। ज़्यादातर आप रिट पास कर लेते हैं उसमें तो आपका चयन 100% हो जाता है, तो इसमें आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसमें जो आपका जो धर्म है, आप धर्म को आप देख सकते हैं कि धर्म आपका कौन सा है, तो उस हिसाब से आपका धर्म है वो आपको फिल कर देना। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, वो जो भी क्रिश्चियन है, जैन है, उस हिसाब से आपको फिल कर देना है। और उसके बाद में यदि आप मैरिड है, यदि आप मैरिड है तो उसमें आपका जो हस्बैंड नेम है उसमें आपके पति का नाम है वो उसमें आपको फिल कर देना। पति का नाम भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि यदि आपका पति का नाम आधार कार्ड में 10th के मार्कशीट है, 12th के मार्कशीट है, ग्रेजुएशन उसमें सेम है, वही नाम उसमें होना चाहिए, उसमें कुछ भी करेक्शन आपको नहीं करना है। इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आपको जो आपका आधार नंबर है, आप आधार नंबर है वो भी आपको स्पेशल इसमें ध्यान में रखना है, आपको आधार नंबर है वो भी फिल कर देना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें आप सही फिल नहीं करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम मेरिट जाने के बाद में जो ओल्ड एज मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसको सबसे पहले चयन में लिया जाता है, तो फिर आप रिट लगाते रहोगे, उसमें कुछ भी आपको नहीं होगा। फिर इसमें आप जो आपका जो एड्रेस है, इसमें आप जो ये कोमा वगैरह जो डैश वगैरह एल्डर हैज वगैरह ये आप लगाते हैं तो इसमें आपको स्पेशल ध्यान में रखना है, और इसके बाद में आपका एड्रेस है वो एकदम आपको सही इसमें फिल कर देना है। और इसके बाद में आपकी जो ईमेल आईडी आपको स्पेशल ध्यान रखना है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको सही सबमिट करनी है, क्योंकि यदि आपने ईमेल आईडी आपको आपने सही फिल नहीं की तो क्योंकि कोई भी जो लेटर वगैरह आता है वो ईमेल पर ही आता है। और उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी इसमें आपको सबमिट कर देना, और एक आपको घर का नंबर भी इसमें अल्टरनेट नंबर इसमें वो फिल कर देना है, स्वयं का नंबर और अल्टरनेट नंबर। और इसमें यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसमें भी आपको स्पेशल ध्यान में रखना है, यस या नो, हाँ या ना।
यदि आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसमें भी आपको स्पेशल आपको ध्यान रखना है, वो भी आपको फील करना है। और इसके बाद में आपकी जो आप भारतीय है, आपकी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता है, वो उसमें आपको इसमें फील कर देनी है। इसके बाद में क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, ये स्पेशल आपको ध्यान रखना है। इसमें हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो इसमें आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें TSP और नॉन TSP एरिया वाला है, तो वो भी इसमें आपको स्पेशल आपको ध्यान में रखना है, उसमें आपको फील कर देना है। और उसके बाद में आपका जो परीक्षा केंद्र है, वो इसमें आपको फील कर देना है, कौन कौन सा आपको परीक्षा केंद्र आपको लेना है, संभाग कौन सा लेना है, आपका जो शिक्षण भाषा है वो आपको इसमें देखना है। देखिए, आपका जो शिक्षण माध्यम का विषय वो आपको चयन करना है, फर्स्ट आपकी लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड आपकी लैंग्वेज कौन सी है, वो इसमें आपको फिल कर देनी है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपका टोटल जो है, जो मार्क्स है, 10th के मार्क्स है, 12th की है, स्नातक की है, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ये सब इसमें आपको फिल कर देनी है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं, यदि आप BST की है, तो उसमें वर्ष है, बोल्ड का नाम है, पूर्णांक, प्रतांक, प्रतिशत टोटल, और BEd में है, तो वही की वही चीज़ इसमें आपको फिल कर देनी है उसमें। और एक बॉडी आइडेंटिफायर, वो भी आपको सारे आपके जो है, वो इसमें आपको फिल कर देनी है। इस हिसाब से आपका ये फॉर्म है, आपको फिल करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके सामने सुरक्षित पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।